नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 9 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में दिन में 3:10 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सच्चे हृदय वाले, प्रिय वचन बोलने वाले, धर्म कर्म में कुशल और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक संगीत, कला इत्यादि में रुचि रखने वाले, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाले, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के इच्छुक, परोपकारी, ईमानदार और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज भी चंद्रमा पर बुध, बृहस्पति और सूर्य की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र दोपहर 3:10 तक चंद्रमा का होगा, तत्पश्चात मंगल का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रबल आत्मविश्वास, कार्य करने में मन लगेना, संबंधित विभागों और अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र में मिसाल कायम करेंगे। पूरे दिन में चंद्रमा के नक्षत्र का फल और तत्पश्चात मंगल के नक्षत्र का प्रभाव सभी जातकों के ऊपर पड़ता रहेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता पूरे दिन बनी रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी होगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए उच्च के चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं। धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग कायम रहेगा। वाणी की सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या विवाद की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं का विस्तार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक योजनाएँ फलीभूत होंगी। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र स्वराशिस्थ होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आपकी राशि पर हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में संवेदनशील महसूस करेंगे, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा, मगर कुछ मामलों में मन का अंतर्द्वंद बना रहेगा। हालांकि अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना विकसित होगी, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध, बृहस्पति व सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। मानसिक दबाव महसूस होगा और धन लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी सकारात्मक पहल कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। विभागीय सहयोग मिलता रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी, मगर कुछ कार्यों में थोड़ा विलंब और खर्च का संकेत मिलता है। चंद्रमा के खुद के नक्षत्र में होने से अधिकतर कार्य पूरे होंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं। मानसिक दबाव और खर्च की प्रवृत्ति में सुधार होगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि सुखद रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास बना रहेगा, जो कि आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर विवादित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता संभावित है। सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य बुध व बृहस्पति के साथ वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं और चंद्रमा आपके 10वें घर में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। व्यावसायिक क्रियाशीलता में मदद मिलेगी और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में
अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। रुकी हुई आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी, मगर कुछ मामलों में आप सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है। संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध सूर्य व बृहस्पति के साथ तीसरे स्थान पर बैठे हैं और वृष राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में चल रहे हैं। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए सरकारी सहयोग जारी है, मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। साथ ही व्यापारिक स्थिरता बनी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। धार्मिक भावना विकसित होगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि पर ही बैठे हैं और चंद्रमा आठवें घर में वृष राशि में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। विचारों का अंतर्द्वंद मन में पैदा होना और अनचाही यात्राओं का संकेत भी मिलता है। विवादित मामलों का निपटारा आज के लिए उचित नहीं होगा। नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी, हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल चौथे भाव में है और चंद्रमा उच्च के होकर सातवें घर में चल रहे हैं। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी, हालांकि कुछ मामलों में अनावश्यक व्यग्रता, घबराहट और व्यवहारिक तौर पर दोषारोपण और गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, मगर कार्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति वृश्चिक राशि में 12वें घर में हैं और चंद्रमा वृष राशि में 6वें भाव में चल रहे हैं। ऊर्जा स्तर में कमी, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में गिरावट का अंदेशा बनता है, मगर मन में नकारात्मक भावनाओं के साथ साथ एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। हालांकि कार्य योजनाएँ पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास सार्थक होंगे और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के राशि स्वामी शनि 12वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें भाव में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह के साथ गति आएगी और संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी विभाग से लाभ और अनुकूलता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सानिध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर कुछ मामलों में रुकी हुई योजनाएं संपन्न हो सकती हैं। सरकारी सहयोग बना रहेगा और धन लाभ संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि 11वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 4थे भाव में वृष राशि में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी, हालांकि निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे, मगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। पहले की चली आ रही योजनाओं में रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें।
मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में चल रहे हैं। प्रयासों का दौर जारी रहेगा मगर दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है। हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं और पराक्रम भाव में चल रहे हैं, पहल करने की प्रवृत्ति बनाए रखें मगर सावधानी भी अपेक्षित है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे, हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। निजी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निवेश लाभकारी रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।